बंधु जैसा कि पहले कहा था कि यह प्रथम सम्मेलन है, कुछ न कुछ कार्यक्रम में त्रुटियां रह जाती है। एक बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी, आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मैंकेश्वर जी ने उस त्रुटि की तरफ हम सबका लाया। हमारे जो संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और हमारे जो मुख्य आइडियोलॉग है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनकी तस्वीरों के ऊपर हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मैंकेश्वर जी ने पुष्पार्जन किया और साथ ही साथ अब वे इस आयोजन के जो मुख्य है गौ माता, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ हमारे राष्ट्रीय संयोजक का स्वागत होगा। भारतीय जनता पार्टी गोवंश विकास और प्रवर्धन संवर्धन कोष के जो राष्ट्रीय संयोजक है और आज के जो उत्सव मूर्ति हैं, अब मैं उस युवा हृदय सम्राट श्री मैंकेश्वर सिंह का आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपनी तेजस्वी भाषण के माध्यम से हम सब गौ प्रेमियों के मध्य में एक अग्नि प्रज्वलित करे और वही अग्नि हम सब के लिए आगामी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली जो भाजपा सरकार के लिए बनने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वह अग्नि हम अपने दिलों में धारण करके अपने घरों में जाए और आगामी इलेक्शन में पूर्ण रूप से तत्पर होकर भाजपा का कमल पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में छिपाने का प्रयास करे। तो भाई श्री मैंकेश्वर जी राष्ट्रीय संयोजक गौवंश विकास प्रकोष्ठ, जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ श्री मैंकेश्वर जी का स्वागत करें। दूर दूर से गांव गांव से आए मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धे आगंतुक महानुभावों को चरणों में मैं सबसे पहले शीश झुका के नमन करता हूं। उसके बाद इस कोलकाता की मां जिनकी कर्मभूमि से पूरा विश्व गौरवान्वित महसूस करता है, गौरव महसूस करता है, माता मदर टेरेसा जी के भी कर्मभूमि के चरणों में मैं समर्पित अपना भाव प्रदान करता हूं। हम सबों के आराध्य, इस भारत के सपूत, भारत के यशस्वी सपूत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में भी मैं अपना शीश झुका के नमन करना चाहता हूं। और जो भी महानुभाव महारथी इस वेस्ट बंगाल की धरती से जो भी पैदा हुए, जिन्होंने कर्म करके पूरे भारत में इस वेस्ट बंगाल का नाम उजागर करके दिखाया, चरितार्थ करके दिखाया, उन सबों के चरणों में शीश नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के संयोजक कप्तान, गोवंश विकास प्रकोष्ठ के संचालक भाई सुब्रतो गुप्ता जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की दीदी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य, हम लोगों की बहन दीदी सुनीता दीदी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और भाई हमारे सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी विदुर शास्त्री साहब को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहता हूं। राजेश यादव जी, सुनील द्विवेदी साहब और हमारी दीदी राजेश्वरी जी बैठी हुई है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। समस्त कार्य से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी आगंतुक यहाँ बैठे हुए हैं, महानुभाव बैठे हुए हैं, अब मैं किसी को धन्यवाद बधाई नहीं देके मैं सिर्फ नमन करना चाहता हूं। किसी के नाम लेने में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, चूंकि विषय बड़ा जरूरी है जिस विषय के लिए हम लोगों ने गोष्ठी बुलाई है, सम्मेलन तो हम नहीं कहेंगे, ये गोष्ठी ही इसको कही जाएगी, लेकिन अति महत्वपूर्ण गोष्ठी है। यह एक अहिंसक विचारात्मक अभियान है जिसके तहत आप सब लोग आमंत्रित हुए। आज के इस कार्यक्रम में, इस गोवंश विकास सम्मेलन में हम क्या कहें, कैसे कहें, आप जैसे भोले भाले गाय जैसे सीधे साधे लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और अभी और देर तक सुनेंगे और हमारे कुछ वक्ताओं को सुन के जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ
दो चार बातें ही अभी आपको बोल के, गाय के दूध नहीं तो माई के दूध, दूध 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 दूध, गैया के दूध नहीं तो मैया के दूध। ये तो सीपीआई के जो नेता है, जिन्होंने वेस्ट बंगाल में 3-4 decades से राज किया है, उन्होंने भी गाय का दूध पिया होगा। आज जो तृणमूल सरकार चल रही है, उन्होंने भी गाय का दूध पिया होगा। तो मां के दूध का कर्ज तो सब उतारने में लगे हुए हैं, लेकिन इस गाय का दूध का कर्ज कब उतारेंगे? अरे मां का दूध के कर्ज उतारने के लिए कोई यहां ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई जहाज चलाता है, कोई देश जाता है, कोई विदेश जाता है। खून से लेके सिंह तक, जन्म से लेके मरण तक। मैं नहीं कह रहा हूं कि शेर की रक्षा करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोर की रक्षा करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सांप की रक्षा करो। मैं तो कह रहा हूं कि गाय की रक्षा करो, गाय का पालन पोषण, गाय का संरक्षण संवर्धन, गाय का प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन यूटिलिटी करो। सांप दूध पी के जहर उगलता है, गाय घास खा के दूध देती है। कटेगी गाय तो बचेगा कौन, बचेगी गाय तो मरेगा कौन? अब आप कहेंगे कि साहब इस सम्मेलन की जरूरत चुनावी साल में ही कैसे पड़ा? जब चुनाव सर पे है तो गोवंश गाय गाय कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपके मन में देखिए, यह विभाग जो है, ये गोवंश विकास प्रकोष्ठ जो है, ये भाषण देने का विभाग नहीं है, ये सिर्फ आचरण पर ध्यान देने का विभाग है। आचरण करना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि माननीय महोदय, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, समस्त मानव जाति की आत्मा है ये गाय। झूठ समझते नहीं, सच बोलते नहीं, सच समझ के भी नहीं समझना चाह रहे। आखिर कब समझेंगे, कब मानेंगे? अगर दारू से मुक्ति दिलाना है, दूध की ओर समाज को, परिवार को, गौपालकों को, गौभक्तों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को रुझान बढ़ाना है, स्वस्थ रखना है, तो गाय पालना बेहद जरूरी है। नहीं तो आने वाले 50 साल में, 60 साल में आप याद करिएगा, अपने स्मरण करिएगा कि एक नौजवान गौभक्त भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आया था और बोल के गया था कि किस तरह से पूरा का पूरा समाज का विनाश का समय तय है। अगर दूध नहीं आया, गोबर नहीं आया, गौमूत्र नहीं आया, घी नहीं आया, दही नहीं आया, पंचगव्य पंचनामृत की रक्षा नहीं हो पाया, गाय नहीं बची, गाय का पालन पोषण नहीं हो पाया, तो हम उजड़ जाएंगे, हम उचक जाएंगे। जिस तेजी से ये समाज, ये देश दारू की तरफ बढ़ रहा है, कैसे दारू से मुक्ति दूध की ओर अग्रसर, कैसे रासायनिक खाद से मुक्ति जैविक कृषि की ओर अग्रसर, कैसे गाय के माध्यम से गांव को स्वावलंबी बनाना, युवाओं को रचनात्मक दिशा देना, विकास के सपने उगाना, पंचों का ठौर पुनः समाज में पड़वाना, योग्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाना, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मोबाइल से नहीं होगा, कुत्ता पालने से नहीं होगा। मैं तो यही हाथ जोड़ के आज आपको पुनः आपको हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुत्ता मत पालिए, मोबाइल मत रखिए, घर में एक गाय जरूर रखिए। गाय आपके आगे हो, गाय आपके पीछे हो, गाय आपके दाएं हो, गाय आपके बाएं हो, गाय के दिल में आप हो, आपके दिल में गाय हो, गोमय समाज बने, गोमय वातावरण बने, और पुनः हम गौ माता का पूछ पकड़ के बैतरणी पार कर जाए।
गाय नहीं तो गोपाल कहां से आएगा, अब गोपाल नहीं होगा तो आपके और हमारे घर में बहन मां चाची दादी नंदलाल कहां से आएगा। दारू पी के पैदा करने वाला संतान और गाय का दूध पी के पैदा करने वाला संतान, दोनों के नस्ल में बड़ा फर्क होता है, यह मेरे से बेहतर आप जानते हैं। आप जानते हैं, समझ भी रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। अरे ये तो भाजपा वाला बोल रहा है, ये तो आया है वोट मांगने। अरे दीदी, अरे भैया, अरे चाचा, हे महानुभाव, हे परमादरणीय, हे परम सरदे, मैं कैसे कहूं, किस तरह से कहूं कि मेरे रोड पर गाय गाय चिल्लाने से गाय की रक्षा नहीं होगी। जब तक कोई राजनीतिक या सरकारी शक्ति नहीं चाहेगा, गाय को हम नहीं बचा सकते। अब्दुल गफ्फार मुसलमान के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने लिखा था चार लाइनें, आज मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि गाय ने ही मानव जीवन को नौ रूप प्रदान किया है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसको मां का नाम दिया है। आज संस्कृति या समाज के बैठे हुए हैं मेरे धरोहर, मेरे श्रीमोहन समाज सेवी, आज संस्कृति के इस गौरव को हम नहीं सिमटने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। हे परम पिता, हे परम श्रद्धे, अब आप कहेंगे कि भाजपा को गाय की याद कैसे आ गई है, इतने दिन कहां थे। शायद एक हफ्ता के अंदर मेरी वार्ता, मेरा संवाद, चाहे वो सुनीता दीदी हो, चाहे सुब्रतो गुप्ता हो, या विदु शास्त्री जी बैठे हो, नौजवान दादा का परिचय दे रहे थे, गवर्नर साहब का परिचय दे रहे थे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मेरे बाप ने भी गाय का दूध पिया है, मेरे दादा ने भी गाय का दूध पिया है, मेरे कुल खानदान ने भी गाय का दूध पिया है। अरे उनसे अमृत दूध कौन देता है। मैं आऊंगा विषय पे कि बीजेपी क्यों गाय की बात कर रही है चुनाव के समय में, मैं बार बार इधर उधर जा रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं। राजनीति तो सब करते हैं, भावनीत कब होगा, भाव में भगवान का वास होता है। मैं भी नौजवान आदमी हूं, क्या देख के आपको लगता है कि इस जवानी में बिना इच्छा शक्ति के मुझे गोवंश गंगा उमा भारती को दिया है पूरे देश में संचालित करने के लिए, और गाय मंकेश्वर को दिया है, इसी बिहार पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूं, मोतिहारी मेरा घर है, भाई सुब्रतो गुप्ता जी है। अरे किसी नेता के पूछ पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो, अगर पूछ पकड़ के आगे बढ़ना है तो गाय का पूछ पकड़ो। उस का पूछ पकड़ो और निर्भीक निष्पक्ष और निडर भाव से गाय की सेवा करो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का अनिष्ट करता है, धर्म उसका भी अनिष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी गाय की वजह से राजनीति है, राजनीति की वजह से गाय नहीं है। यह भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी गाय की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से गाय नहीं है, लेकिन इस गाय की बात है किसी राजनीतिक दल में दम, चाहे ममता की पार्टी हो, मुलायम की पार्टी हो, सोनिया गांधी की पार्टी हो, राहुल की पार्टी हो, तमाम किसी किसी और की पार्टियां हो, कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां बनाए हैं, लेकिन गाय गंगा गौरी की अगर कोई बात करता है तो उसमें सिर्फ एक ही माई का लाल, एक ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सुनने के लिए बैठे हैं तो सुनिए और समझिए और इस नौजवान को पकड़िएगा, पकड़िएगा मेरे भाषण और मेरे आचरण को देखिएगा, अब पकड़िएगा बाद में जो किया है वही मैं बता रहा हूं, उसी को पहले छानबीन कर लीजिएगा। यह एक ऐसा विचारात्मक अहिंसक अभियान है, जोड़े और जुड़े। क्यों जोड़े,
क्यों जुड़े? ये गाय के लिए जुड़े। हमारे पार्टी से कैसे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। घर से निकलते हैं सुबह, मैं कहां जा रहा हूं, तिरुपति बालाजी, आप कहां जा रहे हैं, मैं मां वैष्णो देवी। ठीक है, आस्था है, वास्ता है, नमन है, आप बहुत अच्छा करते हैं, जान। बुढ़ी मां, वृद्धा मां, ऐसे बहुत सारे कोलकाता में होंगे, मेरे दीदी लोग बैठे हुए, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, जिनकी हालत ऐसी बद से बदतर हो गई कि उनको वृद्धा आश्रम में जाके अपना गुजारा भत्ता करना पड़ रहा है। बताइए भाइयों, आप सब बैठे हैं, क्या बूढ़ी मां का उचित स्थान, मां का स्थान वृद्धा आश्रम है या बेटा का घर? बताइए उचित स्थान कौन सा है? बेटा का घर। क्या गाय का उचित स्थान गौशाला है या किसान का घर? तो जब बेटा ने मां को घर से बाहर कर दिया तो मां किस तरह से रो के कलप के